नमस्कार, मैं अप्रिया। आज है 17 दिसंबर। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी यूजर को बता दें कि हमने देश विदेश की प्रमुख खबरों को नए तरीके से अपने नए चैनल नॉनस्टॉप खबरों पर शुरू किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की निकाली गई वैकेंसी। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर 25 वैकेंसी निकाली गई है। यह भर्ती एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए निकाली गई है। 5 पद एससी, 14 पद एसटी और 25 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया www.joinindiancoastguard.gov.in पर 21 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन एवं 12वीं मैथ्स और फिजिक्स विषयों के साथ पास होना जरूरी है। मैथ्स और फिजिक्स का एग्रीगेट कम से कम 60% हो। एससी एसटी को डिग्री स्तर पर मार्क्स में 5% की छूट मिलेगी, 12वीं में मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। शेखपुरा के कुसेड़ी गांव स्थित पंचमुखी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुसेड़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित यह शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ तथा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिला के अलावा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। यह अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप में सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, परंतु सावन महीने के हर सोमवार पर यहां हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बिहार में अब पुरानी व्यवस्था के साथ डीएलएड सत्र में होगा एडमिशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार के सभी सरकारी और निजी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में कोर्स में दाखिला पहले से चली आ रही व्यवस्था के तहत ही लिया जाएगा। हालांकि ध्यान रहे, यह व्यवस्था मात्र मौजूदा सत्र अर्थात 2020-22 में नामांकन के लिए ही किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुरोध पर यह फैसला लिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने अप्रैल महीने में ही निर्णय लिया था कि एनसीटीई और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त बिहार राज्य के सभी राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण संस्थान तथा महाविद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 565 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,44,180 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 235 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में 20 तो वहीं सीतामढ़ी में 28 मामले सामने आए हैं। बिहार में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी जल्द। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल उपाध्याय की एकलपीठ ने यह साफ किया है कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीटीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 2014 के एडमिट कार्ड होंगे जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर लेवल मुख्य परीक्षा 2014 के लिए 25 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। पहले यह परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी। यही कारण था कि उम्मीदवारों को परीक्षा के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था। परीक्षा तारीख में बदलाव के लिए हालांकि नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अब परीक्षा से 7 दिन पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 18 दिसंबर को इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर जाकर ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। इससे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में महत्वाकांक्षी पेयजल आपूर्ति बंद रखने पर वार्ड सदस्यों पर होगी कार्रवाई। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत राज्य की पंचायतों के वैसे वार्ड जहां पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के माध्यम से नल जल निश्चय योजना क्रियान्वित हो रही है, वहां अगर पेयजल आपूर्ति किसी कारणवश बंद हो जाती है तो मुखिया और वार्ड सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर पंचायती विभाग ने सभी डीएम को पत्र जारी कर योजना की समीक्षा करने और दोषी मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई की अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है। पंचायती राज विभाग ने डीएम को लिखे पत्र में साफ तौर पर कहा है कि इस योजना का कार्यान्वयन मुखिया की तरफ से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जा रहा है।
बकाया शुल्क नहीं जमा करने पर बोर्ड परीक्षा से वंचित रहेंगे छात्र। इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए छात्रों को शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा नहीं करने वाले छात्र बोर्ड परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसके बाद बोर्ड ने छात्रों को बकाया शुल्क जमा करने के लिए 19 दिसंबर तक का समय दिया है। इंटर और मैट्रिक के 10,000 से अधिक परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं किया है, जिसके बाद अब बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय और स्कूल प्रशासन से बकाया शुल्क जल्द से जल्द जमा करने को कहा है। हालांकि बिना शुल्क जमा किए छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सभी स्कूलों को छात्रों की सूची भेजी गई है। साथ ही बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जब तक शुल्क जमा नहीं होगा तब तक छात्रों को एडमिट कार्ड मुहैया नहीं करवाए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी नरकटियागंज के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गोविंद निलहानी की फिल्म द्रोखाल से साल 1994 में की थी। मनोज के बॉलीवुड में पहचान फिल्म शूल से मिली थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। उन्होंने कई पुरस्कारों को अपने नाम किया है। आपको बता दें, मनोज बाजपेयी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा परिषद ने बनाया बिहार के लिए 2035 तक का रोडमैप। बिहार में 2035 तक प्रदेश का JER यानी कि ग्रॉस इंस्टॉलमेंट रेशियो 50% तक करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने प्रधान सचिव संजय कुमार के समक्ष शॉर्ट एवं लॉन्ग टर्म प्लान पेश कर दिया है। यह समूचा प्लान नई शिक्षा नीति के मद्देनजर बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने प्रेजेंटेशन में बताया कि वर्तमान में प्रदेश का GER 13 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से आधा है। यह समूचा प्लान नई शिक्षा नीति के मद्देनजर बनाया जा रहा है। विशेष सचिव झा ने नई शिक्षा नीति के मद्देनजर विशेष रूप से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए बताया है कि इसके लिए काफी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। बिहार में कोचिंग सेक्टर इंडस्ट्री के बन जाए। बिहार में 2035 तक प्रदेश का JER यानी कि ग्रॉस इंस्टॉलमेंट रेशियो 50% तक करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने प्रधान सचिव संजय कुमार के समक्ष शॉर्ट एवं लॉन्ग टर्म प्लान पेश कर दिया है। यह समूचा प्लान नई शिक्षा नीति के मद्देनजर बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने प्रेजेंटेशन में बताया कि वर्तमान में प्रदेश का GER 13 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से आधा है। यह समूचा प्लान नई शिक्षा नीति के मद्देनजर बनाया जा रहा है। विशेष सचिव झा ने नई शिक्षा नीति के मद्देनजर विशेष रूप से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए बताया है कि इसके लिए काफी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है, जिसके बाद राजधानी पटना के कई इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही राजधानी में घने बादल भी छाए रहने के आसार है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटे में कनकनी और बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं बारिश होने के बाद राजधानी सहित पूरे बिहार में अगले 48 घंटे में कनकनी और ठंड भी बढ़ सकती है। वहीं बीते दिन भी राजधानी पटना सहित उत्तर बिहार के कई इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहने के संकेत मिल गए थे। पटना मेट्रो के लिए पहाड़ी और रानीपुर मौजा में जमीन की उठी मांग। मेट्रो निर्माण को लेकर पहाड़ी और रानीपुर मौजा में 76 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन के भू अर्जन विभाग ने नगर विकास और आवास विभाग से इंटरस्टेट बस टर्मिनल के समीप पहाड़ी और रानीपुर मौजा के 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर आग्रह किया है। यह जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश पर आयोजित भू अर्जन की बैठक में सामने आई है। हिंदी भवन स्थित सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में बैठक का आयोजन करवाया गया था। नीतीश कुमार के मंत्री ने इस सरकारी विभाग में लगभग 6,000 पदों पर बहाली की कही बात। नौकरी भर्ती को लेकर बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार भाजपा कोटे से मंत्री रामसूरत रॉय ने सरकारी नौकरी भर्ती पर अपना आधिकारिक बयान दिया है, जिसके तहत राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा है कि बिहार में राजस्व विभाग में 6,000 पदों पर लोगों की कमी है, जिस पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि सरकार जल्द ही इस पर आगे का फैसला करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा है कि सरकार रोजगार देने और खाली पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। दरभंगा आमस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से कई शहरों को होगा फायदा। 212 किलोमीटर लंबी बनने वाली फोर लेन आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राज्य के विकास को गति देने वाली है। राज्य में करीब 212 किलोमीटर लंबी यह सड़क बनने वाली है, जिससे 7 जिलों के लोगों को खूब फायदा मिलने वाला है, जिसके तहत गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिले का नाम शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 7,500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस सड़क को बनाने के लिए 233 राजस्व गांवों
में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। मार्च 2021 तक 4 पैकेज में टेंडर आमंत्रित होंगे और निर्माण एजेंसी का चयन कर जून 2021 तक काम शुरू किया जाएगा। हाईकोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को लेकर पूछे सवाल। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से न्यास बोर्ड के गठन को लेकर सवाल पूछा है, जिसके तहत कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन कब तक हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह द्वारा गया के विष्णुपद मंदिर को विकास कराने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है। आपको बता दें, न्यास बोर्ड धार्मिक न्यास कानून के तहत पूरे मंदिर के विकास के लिए स्कीम तैयार कर सकता है, लेकिन कानूनी अड़चन यह है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक नए बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब शिक्षकों से शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मांग रही सरकार। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग सुचारू ढंग से काम करने के लिए जागा है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पंचायती राज संस्था के तहत प्राथमिकी मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को निगरानी विभाग को उपलब्ध कराने का अंतिम पत्र दे दिया है, जिसके बाद नियोजन इकाई के सदस्य सचिव निगरानी विभाग के प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर अविलंब जांच से संबंधित अवशेष फोल्डर एवं मेधा सूची नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं तथा उसका प्रतिवेदन 23 दिसंबर 2020 हर हाल में विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। संजय जायसवाल ने कैबिनेट विस्तार को लेकर कही अहम बात। नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कहा था कि भाजपा के कारण देरी हो रही है, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, जिसके बाद अब बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जल्द ही मिलकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका होता है, हम लोग आपस में मिल बैठकर चर्चा कर लेंगे और जल्द ही आप लोगों को सूचना दे देंगे। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं विपक्षी दलों ने भी एनडीए में खींचतान की बात कही थी, जिस पर ही जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया था कि भाजपा की तरफ से कोई बातचीत या चर्चा इस मुद्दे पर नहीं हुई है। पीएम किसान स्कीम में आंदोलन के कारण तीसरी किश्त के पेमेंट में होगी देरी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 3 किश्तों में राशि का भुगतान किया जाता है। हालांकि यह राशि वैसे तो समय पर सभी के बैंक खाते में चली जाती थी, मगर इस महीने आने वाली किश्त में देरी होने की संभावना है। मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में किसानों के आंदोलन के कारण राशि भुगतान इस महीने के शुरुआत से ही बीच मझधार में लटकी हुई है। हालांकि जानकारों की माने तो इसमें अभी और ज्यादा देरी हो सकती है। अधिकारियों की माने तो सरकार की तरफ से देश के 9 करोड़ किसानों के में तीसरी किश्त के तौर पर 2000 भेजने की तैयारी कर ली गई है, बस ऊपर के अधिकारियों के निर्देश का इंतजार है। देशभर के शीर्ष जदयू नेता 26 और 27 दिसंबर को जुटेंगे राजधानी पटना में। बिहार के सत्ता में लगातार चौथी बार शुरू करने वाले जनता दल यूनाइटेड के देशभर के प्रमुख नेता इसी महीने के आखिरी में पटना में जुटने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दल के नेता मौजूद राजनीति तथा आगे की राह को लेकर मंथन करेंगे, जिसके बाद बिहार समेत झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के प्रमुख जदयू नेता इस महत्वपूर्ण जुटान का हिस्सा बनेंगे। दरअसल जदयू ने 26 और 27 दिसंबर को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। जदयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव की यह बैठक करीब 14 महीने बाद होने जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1398 में आज ही के दिन मंगोल सम्राट तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब्जा किया था। 1940 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया था। 1949 में बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां साम्यवादी चीन को मान्यता दी गई थी। 1971 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध समाप्त हुआ और उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1996 में आज ही के दिन नेशनल फुटबॉल लीग का शुभारंभ हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 की हुई घोषणा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। यह पिंक बॉल टेस्ट होगा। विराट कोहली इस टेस्ट मैच के बाद भारत आ जाएंगे। वहीं एडलेड में खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जिसमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, जिंके रहाणे, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, रिद्धिमान साह, मोहम्मद शमी, रविश चंद्रन का नाम शामिल है।
आलिया भट्ट की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। अभिनेत्री आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और काफी ज्यादा इस्तेमाल भी करती हैं और आए दिन अपने फैंस के साथ नई नई तस्वीर और वीडियोस को भी शेयर करती हैं। इसी बीच आलिया ने हाल ही में अपना ब्लैक आउटफिट में एक ग्लैमरस फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। आलिया की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस ब्लैक ड्रेस में वो काफी ग्लैमरस नजर आ रही है। इसके साथ ही बालों को खुला रखते हुए उन्होंने जो पोज दिया है उसे फैंस काफी ज्यादा लाइक कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे से लेन देन की हुई शुरुआत। व्हाट्सएप पे से लेन देन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत व्हाट्सएप भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ भारत में अपने 2 करोड़ से अधिक यूजर के लिए लाइव हो गया है। आपको बता दें नवंबर महीने में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 160 बैंकों के साथ UPI पर लाइव जाने की अनुमति ले ली थी। फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया वर्चुअल कार्यक्रम में भारत के व्हाट्सएप के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा है कि लोग व्हाट्सएप पे के जरिए सुरक्षित रूप से परिवार के किसी सदस्य को पैसे भेज सकते हैं, साथ ही दूर रहकर कैश का लेन देन भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,310 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,310 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोहित कुमार, सिकंदर कुमार यादव, संजय प्रसाद, लखन कुमार, रोशन पटेल, शंकर पटेल, ओमकार सिंह, प्रकाश प्रजापति, शारदा कुमार, असलम राज, कौशल कुमार क्रूश, आशीष कुमार चौहान, राकेश कुमार, प्रियांशु कुमारी, शंकर राज, महत्वपूर्ण ज्ञान, धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए जारी किए गए प्लेइंग 11 टीम से आप संतुष्ट है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।